हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सुबह ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है फ्राइडे और डेट है 10 और चल रही हूँ मैं इप्पत नलवत आया है बेचने के लिए। क्या बेच रहा है ये मुझे पता नहीं, कन्नड़ा में कुछ बोल रहा है नहीं पता मुझे, इप्पत नलवत बोल रहा है। हुआ मतलब हुआ हुआ बोल रहा है, फूल लेके आया है। तो माइंड मत करिएगा साउंड को और इग्नोर करिएगा, क्या कर सकते हैं, आवाज़ तो आएगी ही ना। तो जो भी है उनका काम बेचना है, हमारा काम आप लोग के साथ बात करना है। तो जब हम बात करते हैं तो ये लोग आ जाते हैं, तो अब इनको भी इग्नोर नहीं कह सकते। नलवत 40 रुपये जो भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी। क्या बोल रही थी मुझे समझ में ही नहीं आया। आज है फ्राइडे और मेरा है फास्ट और चल रही मैं वैभव लक्ष्मी की पूजा करूँगी। और आज सुबह सुबह की पूजा ऐसी ही कर लूँगी, जैसे रोज़ दियाबाती करते हैं वैसी कर लेंगे। शाम के टाइम का पूजा करेंगे, 3:30 के बाद बात करूँगी। अभी मैं झाड़ू पोछा जो भी है किचन उचन साफ करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि सुबह में नाश्ता उस्ता बन गया था तो वो चूल्हा जूठा हो जाता ना, तो मुझे फरहार बनाने के लिए नहीं होगा इसके लिए। चल रही है, बहुत हुआ हुआ कर चुका, जाने दो इसको और मिलते हैं वीडियो के साथ। इधर देखो ये फूल लेके आया है, मैंने बोला आप लोग को दिखा दूँ, बहुत अच्छे फूल लगते हैं फ्रेश फ्रेश। और इधर मौसम ख़राब हो रखा था और इधर मैं आ गई झाड़ू निकालने के लिए, और झाड़ू निकालूंगी इसे लगे हाथ पोछा भी मार लूँगी। और पहले झाड़ू निकाल के अच्छे से समेट दी। उधर टोकरी में आलू पड़े हुए थे उसको मैंने रखा। इस रूम में आई झाड़ू निकालने के लिए तो मुझे कपड़े दिख गए, तो मैंने बोला ला दो सबसे पहले मैं कपड़े ही समेट लेती हूँ। और कपड़ा अगर समेटा रहता है ना तो घर दिखने में एकदम बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों ना मुझे बहुत गंदा लगता है अगर कपड़ा बिखरा रहता है तो, और अगर समेटा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और बिस्तर भी थोड़ा साफ साफ दिखता है, ऐसा मन करता आके बैठ जाओ। वैसे मेरे को इस रूम में कोई काम नहीं रहता, लेकिन फिर भी रहता है तो अच्छे से साफ करके ही रखना है। इधर आ गई मैं, झाड़ू निकाल ली पूरा अच्छे से और नहा धो के आ गई मैं। और टाइम कितना हो रहा है, लगभग 10:30 बज रहे थे, 10:30 नहीं हो रहे थे। ये सारा पोछा ओछा भी मारा है ना, तो बहुत सारा टाइम हो गया, किचन साफ़ किया पोछा मारा तो बहुत सारा नहीं रिकॉर्ड हो पाया वो सारी चीज़ें। कभी कभी ना हम रिकॉर्ड करने के चक्कर में भूल भी जाते हैं। इधर मैं नहा धो के आ गई, अब चल रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा नॉर्मली ऐसे ही ये ड्रेस पहन के सूट पहन के मैं कर लूँगी, लेकिन शाम की जो पूजा है वो साड़ी डाल के करूँगी। अभी ऐसा लग रहा है फ्रेश फ्रेश जैसा फील हो रहा है ना। अब चलो पूजा करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से, ठीक है? मुझे लगा चलो पूजा कर लेती हूँ लगे हाथ, और पूजा उजा करके मैं अच्छे से और भगवान जी को ऐसे हाथ जोड़ लिए मैंने। और अभी मैं आ गई किचन में, किचन में आई तो मुझे लगा सबसे पहले चाय बनाऊँ, चाय नहीं पहले मैंने गर्म पानी किया और गर्म पानी पी लेती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा काजू और 2-3 और बादाम था वो मैंने खा के पानी पी लिया। और खैर डेली च्यवनप्राश खाती हूँ, लेकिन डेली च्यवनप्राश व्रत में तो नहीं होता ना, नमक वगैरह रहता है ऐसा। तो इधर मैंने ये चीनी मैंने इसलिए डिब्बे में से डाली ना, कभी कभी झूठे हाथ से बाई मिस्टेक छू देते हैं, तो मुझे लगा कि जो साफ़ चीनी रखी है उसी को डालती हूँ। और इधर मैं चाय बना ली और मूँगफली भून ली, और भुनने के बाद फिर 2 आलू मैंने छील लिया। और मैं इधर सेना नमक खाती हूँ फास्ट में, क्यों खाती हूँ क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है, तो इसके लिए मुझे सेना नमक की खैर ज़रूरत पड़ती ही है खाने की। और इधर मैं चाय छान ली अपने लिए, और चाय छानने के बाद और ये देखो थोड़ी सी मूँगफली ले ली चाय, और जिसको खाना है आ जाओ जी। आई है सब्जी और देखती हूँ क्या लेती हूँ सब्जी। चल रही हूँ, देख रही हूँ, सुनाई दे रहा है टमाटर। चले लेके आते हैं, कितना काम होता है, लोग सोचते हैं कि क्या करते हैं, कुछ नहीं ऐसे ही करके लोग सोचते हैं। चप्पल पहन लो, चलो सब्जी लेके आऊँ नीचे से। चलो इधर मैं जा रही थी सब्जी लेने, सीढ़ियों से उतर रही थी, और इधर देखो ये सब्जी आई हुई है। जब मैं नीचे गई ना तो आंटी मेरे से पूछ रही थी क्या मोबाइल लेके क्या कर रही है, क्या बोलोगे, कुछ कुछ
प्रॉब्लम्स होती है जो हम किसी को नहीं बता सकते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है, ज़रूर बताइएगा कि हर जगह मोबाइल लेके जाना, सब कुछ करना अब कंफर्टेबल नहीं लगता ना। जो भी है, कोई नहीं, ये तो हमारा काम है, अब तो करना ही है। फिलहाल के लिए मैं सब्जी उब्जी लेके आ गई, देखो स्वीट पोटैटो करेला, शिमला मिर्च, इतनी सब्जी मैंने ले ली। इधर लगभग 1 बज रहा था तो मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया था, तो मुझे लगा पहले खीर बना लेती हूँ। और मैंने जब खीर रखा ना तो मैं रिकॉर्ड की, लेकिन मैं मतलब वो वीडियो ऑन ही नहीं हुआ। और ये देखो, ये मतलब वो बहने वाला था दूध, लेकिन वो नीचे से मैं चीनी निकाल रही थी डब्बे में से, इसके लिए ऐसा हो गया। और इधर आ रहा था प्रदीप मिश्रा जी का सत्संग, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना, इतना सुनना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है। और आप लोग सुनोगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और जब ये मतलब आता है ना तो ऐसा मन करता है कि हम 3 घंटे कहीं उठेंगे ना, तो मैं काम भी कर रही थी, सुन भी रही थी, खीर चढ़ा दिया तो मैंने खीर हो रही थी, सुन रही थी बापू आने वाला था, तो मुझे वो ये कहना था कि जल्दी से आ जाएगा, पहले मैं खीर बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं रोटी वगैरह बनाऊँगी ना तो चूल्हा जूठा हो जाएगा इसके लिए। फिर उसके बाद इधर मैंने खीर बना दी और पक गई, और उधर बाबू आ भी गया था, तो मैंने पहले खीर मतलब अच्छे से निकाल दिया, एक साइड रख दिया, और फिर मैंने रोटी बनाई और बाबू को खिलाया, क्या बोलते हैं, हाँ उसको खिला के फिर मैं जो ट्यूशन उसको भेज के फिर मैं नहा धो के फिर मैं आई पूजा वाले रूम में, क्योंकि वो 4:30 बजे ट्यूशन जाता है, तो मुझे लगता है कि उस टाइम में पूजा करना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 1 से 1.5 घंटा मेरे को पूजा करने में लग गया, सब कुछ रखने में, और उठ के अपने को ही सब करना पड़ता है ना। तो मैंने फ़ोन को भी ना फ्लाइट मोड पे डाल दिया था, क्योंकि मेरे को उतने टाइम में किसी का भी फ़ोन ना आए। और ये वीडियो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर दी थी कि कब तक ही, जब तक ये चला तब तक चला, और फिर अपने आप ही ये बंद हो गया रिकॉर्ड होते होते, शायद उसमें स्पेस नहीं था। फिर मैंने कुछ वीडियो डिलीट किया, कुछ चीज़ें डिलीट की, फिर उसके बाद वो मतलब हुआ पूरा। और इधर देखो, ये मेरी बुक पढ़ने में ना बहुत टाइम लगता है, आपको पता है, और टाइम तो लगता है लेकिन कहानियाँ ऐसी ऐसी होती हैं ना, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और इधर देखो, पूजा समाप्त हो चुकी, लगभग बच गए 5:30, 5:30 क्या, दिन डूबने वाला ही हो गया था, दिन डूब ही गया था लगभग। और इधर देखो, माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, और मेरी भी सबके पीछे मेरी भी पूरी करे। इधर मैं आ गई हूँ बात करने के लिए आप लोगों से, और चलो बात करते हैं, क्या बात कर रही हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। पसंद आती तब भी लाइक शेयर करिएगा, नहीं पसंद आती तब भी लाइक शेयर करिएगा, और कमेंट करिएगा कि ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है। आज था फ्राइडे, तो मुझे रेड कलर का लोग बोलते हैं पहनने के लिए, तो मुझे रेड कलर और एक येलो कलर, दो कलर मुझे बहुत पसंद आते हैं। रेड बोलोगे तो येलो वाला मुझे बहुत पसंद आता है, येलो कलर मुझे बहुत फेवरेट है मेरा, अगर आप बोलोगे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और आप बताइएगा मेरे ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो भी बताइएगा, और नहीं अच्छी लगती तब भी बताइएगा, दोनों ही बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि मेरी ही पसंद अच्छी है या नहीं अच्छी है, ठीक है, बताइएगा मुझे ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है। और एक बात और आप लोग को बताऊं, आज पूरा दिन मैंने वीडियो शूट किया है, और अगर आप लोग को एक वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट करिएगा कि अच्छी है, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो भी कमेंट करिएगा कि नहीं अच्छी है, ठीक है ना, दोनों ही करिएगा। और इतना सारा काम करने के बाद, फास्ट रखने के बाद, फिर भी मैं आप लोग के सामने एकदम हैप्पी लग रही हूँ, और अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाला अच्छा लग रहा है, और हैप्पीनेस फील हो रही है फास्ट रखने के बाद भी, थोड़ा सा लग रहा है वीकनेस जैसा, हल्का हल्का सा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और आप लोग बताइएगा कैसे हो आप लोग, ये भी मुझे बताइएगा, अच्छे हो तो भी बताइएगा, और नहीं अच्छे ही हो तभी बताइएगा मुझे कि अच्छे हैं, ठीक है ना। और भगवान करे सब लोग अच्छे रहें, और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, और उसके बाद मेरे ऊपर भी बनाए रखे अपनी कृपा, है ना।
तो बहुत सारी बातें हो चुकी, अब मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लोग को वीडियो फिर बोल रही हूँ पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा, ठीक। और मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि मेरे ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है, ठीक है। देखती हूँ कैसी लग रही है, जरूर बताइएगा मुझे।